आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रीवा में पुलिस की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां दो आरक्षकों ने मिलकर नाबालिग बच्चे की बेरहमी से पिटाई की, जिसमें बच्चे का हाथ टूट गया और उसे काफी चोटें आई हैं। रीवा की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच आए दिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान लग रहे हैं। अब फिर पुलिस वालों की गुंडागर्दी का मामला देखने को मिला, जिसमें पुलिस के दो आरक्षकों ने मिलकर नाबालिग बच्चे की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस की पिटाई से बेहोशी हुए बच्चे को उसकी मां ने संजय गांधी जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। दरअसल मामला समान थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके का है। हम अपने घर से निकले, मम्मी से सबसे लिए समोसा खाने के लिए, तो एक भैया मेरे को मिले तो वो कहे कि मेरे को बस स्टैंड पर छोड़ दो, तो मैं उनके साथ पैदल ही पैदल चलने लगा। तो उसके बाद वो डंडा ले लिए, तो मैं पूछा काहे के लिए डंडा लिए हैं, कहीं ऐसे ही। तो एक लड़का अमित था, वहीं पास सोनी दुकान सुनार की दुकान है, तो वहीं पास उनको गए मारने लगे। मैं पूछा कि क्या कहे कि उसको मारने लगे, भैया कहे कि ये मेरी गाड़ी पकड़वाया है, और वो खुद कहा था कि मैं गाड़ी पकड़वाया हूँ। फिर उसके बाद हम लोग ये इधर से शॉर्टकट से चले जा रहे थे ऊपर मोटरसाइकिल से, तो पुलिस वाले आए हैं, तो राजेंद्र जो लड़का था तो उसको पकड़ने किए है, तो नहीं मिला, तो फिर मेरे को एक अकेले था तो मेरे को मारने लगे। जब हम अपने घर से थोड़ी दूर तक निकले तो एक दिव्यांग क्लिनिक डॉक्टर है, वो हमको बोले मंजू रुको, तो हम बोले क्या हो गया सर, बोले तुम्हारा लड़का के इतना पुलिस वाले मारी थी हम उठा के लगे, तो फिर हम बिटिया के छोड़े और हम बोले रहने तुम कॉलेज न जाओ इसको, इसके पास में थाने गई। जब थाने में गए तो ये बेहोश पड़ा था वहीं ब्रेंच में। सुबह समान थाना के दो पुलिस आरक्षकों ने एक नाबालिग बच्चे को लात घूसों से मारते हुए अधमरा कर दिया, तथा बाद में लाठी डंडे की बरसात भी उस पर की। बताया जा रहा है कि गुंडागर्दी दिखाने वाले दोनों पुलिस आरक्षक समान थाने में पदस्थ हैं। उन्होंने बिना किसी वजह के ही बच्चे के साथ मारपीट की और थाने ले गए। पीड़िता की माँ का कहना है कि उसे आरक्षकों के नाम की पहचान तो नहीं है, लेकिन वो चेहरे से उनको पहचान सकती है। उनका बच्चा भी उन दोनों आरक्षकों को पहचान सकता है। हालांकि इस मामले पर पुलिस प्रशासन कुछ भी कहने से बचता नजर आया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।